सब्सक्राइब कीजिए ई पाठा लगे चैनल को और हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए बेल के आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम के बाद 335 एडी के अंदर आपके समुद्रगुप्त आते हैं जिनका कार्यकाल लगभग 335 से लेके 380 के बीच में चलता है। तो ये क्या कहते हैं, समुद्रगुप्त के बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर माने जाते हैं जिन्होंने क्या कहते हैं समुद्रगुप्त के विस्तार के बारे में सोचा, जैसा कि क्या कहते हैं चंद्रगुप्त ने सोच रखा था, चंद्रगुप्त प्रथम ने सोच रखा था। अब इनका मेन मकसद यही था कि ये दिग्विजय प्राप्त करना चाहते थे, चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करना चाहते थे। इसीलिए आप देखेंगे कि आने वाले समय में थोड़े बहुत वॉर भी लड़ते हैं, है ना। और वॉर के साथ साथ इन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर सोने के सिक्के भी चलवाए थे, जैसा कि उन्होंने चलवाए थे तो इन्होंने भी चंद्रगुप्त प्रथम ने से सोने के सिक्के चलवाए थे, पहले व्यक्ति थे वो, ऐसा इन्होंने भी अपने कार्यकाल के अंदर सोने के सिक्के चलवाए और पहली बार नए डिजाइन की मुद्रा चलाई थी इन्होंने, एक ईगल स्टाइल मुद्रा चलाई थी। अब ये सभी शासकों में से सबसे महान सिर्फ इसी वजह से माने जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड थे, ये कुशल योद्धा माने गए, ये विद्वान माने गए, संकेत के अच्छे माने गए, कवि माने गए। इन सब की क्या कहते हैं हमें इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं जगहों से जानने को मिलती है, जैसे कि इनके कवि थे हरिशीर्ण करके, उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा है इनके बारे में। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे उन्होंने अपने कार्यकाल में जिस समय हिंदुज्म पूरी तरीके से आ चुका था, ठीक है, तो उसके कार्यकाल के समय भी उन्होंने क्या कहते हैं और धर्म जो थे हमारे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन धर्मों के प्रति टॉलरेंस दिखाया, टॉलरेंस इन द मीन्स सहन छोड़ता, यानी कि दिखाया कि भाई मतलब नरमी से पेश आना उन धर्म के प्रति। ऐसा नहीं था कि हिंदुज़म अगर पूरी तरीके से फॉलो हो रहा है तो हिंदुज़म को ही बनाए रखे, नहीं, और जो धर्म थे उनका इन्होंने सम्मान करा, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, योद्धा और ऊपर से विद्वान आदमी, और विद्वान आदमी तो दूसरे धर्म के रिस्पेक्ट जानना ही सीखेगा, वो कभी अपनी कट्टरपंथिता कभी नहीं दिखाएगा, वो दयालुता तो ही दिखाएगा, काइंडनेस ही दिखाएगा हमेशा, इसीलिए उन्होंने दूसरे धर्म की भी रिस्पेक्ट करी। तो ये आपको डायनेस्टी यहाँ पे दिखेगी कि समुद्रगुप्त ने कम से कम 9 राज्य को हरा दिया था और दिल्ली और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र आदि पूरे के पूरे इलाके इन्होंने जीत लिए। समय बीतने के साथ साथ उन्होंने दक्षिण के अंदर 12 राज्य और जीत लिए, जहाँ पे अभी देखिए कलिंग था एंड देन पल्लाव था, ये आंध्र प्रदेश के इलाके, इतने सारे इलाके है ना, ये सारे के सारे इलाके उनके द्वारा जीत लिए गए थे। तो इसीलिए भी ये दिग्विजय सम्राट कहलाए, जिनके बारे में आप देखेंगे कि इनको इसी की वजह से एक हमारे क्या कहते हैं विंसेंट स्मिथ करके बहुत बड़े राइटर हैं, इन्होंने इसको नेपोलियन कहा, ये कि इंडिया का नेपोलियन बंदा है ये, कि इसने यहाँ एक पाटलिपुत्र से राजधानी स्टार्ट करी अपने चंद्रगुप्त के कार्यकाल में, एंड देन ये इसने यहाँ पे विजय प्राप्त करी, यहाँ पे विजय प्राप्त करी और यहाँ पे विजय प्राप्त करी, इसीलिए इसको नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि नेपोलियन ने भी फ्रांस की क्रांति के बाद बहुत ज़्यादा उसने युद्ध जीते थे इसी वजह से। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब वो उड़ीसा का इलाका जीत जाते हैं तो उन्होंने एक समृद्ध बंदरगाह बनाया, जिसे हम क्या कहते हैं ताम्रलिप्ति बंदरगाह के नाम से जानते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े क्या कहते हैं जहाज आकर रुका करते थे, और इससे एक ट्रेडिंग हब बन जाता था पूरी अच्छी तरीके से, जहाँ पे चीन, श्रीलंका और क्या कहते हैं आप नेपाल मान सकते हो, और जो अगर यूनानी लोग हैं वो अगर ट्रेडिंग करने के लिए आते तो वहाँ पे वो सेंटर बन जाता है उनका, जिसके लिए उनको एक अच्छा क्या कहते हैं माहौल मिल जाता है ट्रेडिंग के लिए, व्यापार के लिए। तो इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त के कार्यकाल के समय में वाणिज्य सेवा और व्यापार सेवा बहुत अच्छी रही होगी, क्योंकि ऐसा समृद्ध क्या कहते हैं बंदरगाह बनाना, पोर्ट बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो वर्तमान समय में क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल के मदीनपुर जिले के अंदर है, ठीक है, जो हमें वहाँ देखने को मिलता है। प्राचीन भाषा में इसमें तर्मलिपित्तक ऐसे नामों से इसे जाना जाता है, प्राचीन नामों में, आप अपनी किताबों में देखेंगे मिलेगा ज़रूर आपको, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, इसी वजह से मैंने इसको निकाल के आपको दिखाया, ये बांग्लादेश का इलाका है यहाँ पे, तो आज के डेट में लगभग यहाँ के इलाकों में ये पाया जाता है।
तो इससे ये पता चलता है कि वह व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा और बौद्ध धर्म का केंद्र होने की वजह से क्या कहते हैं, उन्हें इतनी ज्यादा प्राप्ति मिली। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे उड़ीसा जो कलिंग का युद्ध उन्होंने जीता था अशोक ने, उसके बाद वो तो सेंटर पहले से बन गया होगा। और दूसरा प्लस क्या कहते हैं, वो शिक्षित व्यक्ति थे, तो नालंदा और तक्षशिला जैसे इलाकों में शिक्षा की व्यवस्था बढ़ती जा रही थी। और प्लस व्यापार जो था, आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल से ही स्टार्ट हो गया था। इन सब का फायदा कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, समुद्रगुप्त को देखने को मिलता है अपने कार्यकाल के दौरान में। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आप देखेंगे कि समुद्रगुप्त के एक राज दरबारी कवि हुआ करते थे, हरिशेण करके। इन्होंने क्या कहते हैं, प्रयाग प्रशस्ति लिखा था, जो हमें इलाहाबाद स्तंभ से मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में ही लिखा गया था। ये हरिशेण के द्वारा रचना की गई थी। इस रचना ने उन्होंने बताया था कि समुद्रगुप्त ने कितनी विजय प्राप्त करी थी, कितने युद्ध जीते, कितने इलाकों को जीता। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त ने लिच्छवी द्रोणी करके, यानी कि लिच्छवी कन्या से उत्पन्न हुए बताए गए हैं इसमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उसने बताया कि भाई जो आपके वो थे क्या कहते हैं समुद्रगुप्त, वो महाराजा थी राज की, उन्होंने उपाधि ग्रहण कर रखी थी। उन्होंने कविराज की उपाधि ग्रहण करी थी। उन्होंने परम भगत की क्रमांक करके ऐसी उपाधियां इन्होंने धारण कर रखे थे कि उन्होंने समुद्रगुप्त ने। अब वही वाली दिक्कत वाली बात थी कि भाई ये लोग भी विजय प्राप्त करने के बाद अश्वमेध यज्ञ करवाते थे, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ तो आप देखेंगे वहां शुग्नु वंश से ही स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ भी ये लोग करवाते थे जीतने के बाद। तो देखो, देखा जाए तो समुद्रगुप्त का जो कार्यकाल था वो सही मायने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप देखेंगे कि उनकी मदर एक लिच्छवी वंश की रानी थी, उसके फादर भी प्रतापी राजा रहे थे। और देन जब समुद्रगुप्त आते तो उन्होंने भी साम्राज्य बढ़ाया बहुत ज्यादा। उन्होंने भी क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर उनको रोल निभाया। लेकिन उनके बाद उनके पुत्र आते हैं रमागुप्त करके,